नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा SSO लॉगिन कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको आपकी SSO आईडी बनानी पड़ेगी। इसके लिए आपको sso.rajasthan.government.in इस वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। इसके बाद SSO लॉगिन का पोर्टल खुल गया है। ये आप देख रहे हो, इसमें SSO आईडी या ऑफिशियल मेल आईडी, पासवर्ड, कैप्चा। अगर आपके पास पहले से बन रही है आपकी SSO आईडी, तो आप अपनी SSO आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चा डाल के लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक आपने SSO आईडी नहीं बनाई है, तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर एक रजिस्टर बटन है, इस पर क्लिक करिए। आप एक सिटीजन हो तो आप अपने भामाशाह आईडी से भी SSO आईडी बना सकते हो, आप अपने आधार आईडी से भी SSO आईडी बना सकते हो, आप फेसबुक आईडी से भी अपनी SSO आईडी बना सकते हो, या जीमेल आईडी से भी अपनी आईडी बना सकते हो। ये उद्योग, आप अपनी उद्योग आधार नंबर से भी रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे, या बिजनेस रजिस्ट्रेशन नंबर से भी SSO आईडी बना सकते हो। और अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो आप SIPF आईडी से भी SSO आईडी बना सकते हो। सबसे पहले मैं मान के चलता हूँ सिटीजन। सिटीजन अगर आपके पास आपका आधार आईडी है, तो अपना आधार नंबर डाल के सिंपली आप रजिस्टर कर सकते हो।